हे गाइस, वेलकम बैक टू योर न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो काफ़ी यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो ये चीज़ आप लोग को जरूर पता होना चाहिए। आज हम लोग किसी भी वेबसाइट को कैसे ब्लॉक किया जाता है अपने लैपटॉप के अंदर या फिर अपने कंप्यूटर के अंदर, इसके बारे में जानने वाले हैं, जो कि काफ़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो आप लोग वीडियो को विथआउट स्किप किए वो पूरा वीडियो को देखें। ये ट्रिक आप लोग को तब काम आने वाला है जब आप लोग चाहते हैं कि आपके घर के कोई पर्सन किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट को यूज़ ना कर पाए, तो आप लोग ये ट्रिक तब यूज कर सकते हैं हम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए। सबसे पहले आप लोग को दिस पीसी के अंदर जाने होगा या फिर आप लोग फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग को यहां पे सी ड्राइव दिख रहा होगा, उसे आप लोग ओपन कर लेना है। उसके बाद यहां से आप लोग को सिंपल विंडोज के अंदर चले जाना है। और विंडोज के अंदर जाने के बाद आप लोग को नीचे यहाँ पे सिस्टम 32 नाम का फोल्डर दिखेगा, जिसको आप लोगों को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ, सिस्टम 32 को। और जैसे ही सिस्टम 32 आप लोगों का ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आप लोग ड्राइवर्स नाम का एक फोल्डर ढूंढना होगा। तो मैं ड्राइवर नाम का यहाँ पे फोल्डर था, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद यहाँ से आप लोग को ETC नाम का एक और फोल्डर दिखेगा, इसे भी आप लोग ओपन कर ले। ओपन करने के बाद यहाँ से आप लोगों को होस्ट नाम का दो फाइल दिखेगा, एक तो मेन फाइल है और एक आई कैलेंडर वाला फाइल है। तो आप लोग का सिंगल होस्ट नाम का भी एक फाइल दिख सकता है, मेरा यहाँ पे दो दिख रहा है। तो मैं फाइल वाले जो टाइप है मैं उसे ओपन करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करूँगा और ओपन विथ पे क्लिक कर दूँगा। ओपन विथ पे क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसा फोल्डर आप लोग को दिख सकता है। तो ये दिखने के बाद आप लोग घबराना नहीं है। यहाँ पे आप लोग को नीचे थर्ड नंबर में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सर्च थ्रू विंडोज़। तो इसको आप लोग को टिक कर लेना है और सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग नोटपैड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पे आप लोग को लोकल होस्ट नाम दिख रहा होगा, लोकल होस्ट 127.0.0.1। तो ये हमारा लोकल होस्ट है, तो सारे PC में यही लोकल होस्ट होता है आई थिंक। जैसे ही हमारा ये नोटपैड में ओपन हो जाता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करके और आप लोगों को मैं youtube.com सर्च करके दिखा दूं। आप सभी देख सकते हैं हमारा youtube.com ओपन हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो अपने नोटपैड में चले जाएंगे और जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा लोकल होस्ट दिख रहा है, लोकल होस्ट। तो यहाँ से हम लोग इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग को सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देना है इसे। और पेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे जिस भी आप वेबसाइट को आप लोग ब्लॉक करना चाहते हैं, उस वेबसाइट के यहाँ पे आप लोग को नाम लिखना है, एक www. फॉर्मेट में, एक www. हटा के। तो मैं www. फॉर्मेट में ये लिख देता हूँ। करने के बाद आप लोग को सिंपल एंटर कर देना है और फिर से यहाँ पे आप लोग को कंट्रोल वी करना है, लोकल होस्ट जो हम लोगों ने कॉपी किया था उसको। उसके बाद फिर से आप लोग को यहाँ पे YouTube टाइप कर देना है इस फॉर्मेट में, youtube.com हम लोगों ने फिर से टाइप कर दिया। उसके बाद आप सभी देख सकते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से कंट्रोल एस दबाएंगे जिससे हमारा ये सेव हो जाए। तो जैसे ही आप लोग को ये वाला आप लोग को एरर दिखता है, तो आप लोग ये स्टेप फॉलो करें जो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो विथआउट स्किप के पूरा स्टेप को देखें, वरना आप लोग बोलेंगे कि हमारा ये ट्रिक तो वर्क ही नहीं कर रहा। तो आप लोग को ये स्टेप पूरा देखें स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ से हम लोग पहले से करते हैं नो। नो करने के बाद हम लोग यहाँ से हम लोग इसे कट कर देते हैं सिंपल। और कट करने के बाद हम लोग यहाँ से चले जाते हैं फाइल एक्सप्लोर में, जहाँ से हम लोग होस्ट ओपन किए थे, और उस पर राइट क्लिक करते हैं। और राइट क्लिक करने के बाद हम लोग प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। और यहाँ से आप लोग अगर रीड ओनली चेक हुआ है उसे अनचेक कर ले। चेक करने के बाद आप लोग सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे जाएं, और सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑल एप्लीकेशन पैकेज भी सिलेक्ट हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे आप लोग को एडिट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। एडिट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से आप लोगों को ऐड वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। ऐड वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से आप लोग को एडवांस में चले जाना है। और एडवांस में जाने के बाद यहाँ से आप लोग को फाइंड नाउ का यहाँ पे आप लोग को राइट साइड में ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें। यहाँ से आप लोग एवरीवन वाले ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, इसे आप लोग सिलेक्ट कर ले। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं एवरीवन सिलेक्ट हो चुका है। और इस यहाँ से आप लोग ओके कर दे। ओके करने के बाद यहाँ से आप लोग एवरीवन पर सिलेक्ट करें और यहाँ पे फुल कंट्रोल एवरीवन
पिक दे दें और इसके बाद इसे अप्लाई करें। यू आर, यहाँ पे आप लोग को अलर्ट दिख गया, यू आर अबाउट टू चेंज द परमिशन, तो हम लोग कुछ नहीं करना है, यस कर देना है, उसके बाद फिर से ओके कर देना है, फिर से ओके कर देना है। उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पे होस्ट वाले नोटपैड को ओपन कर लेंगे, और होस्ट वाले नोटपैड को ओपन करने के बाद फिर से हम लोग कंट्रोल एस दबाएंगे। कंट्रोल एस दबाने के बाद आप सभी देख सकते हैं हम लोग का अब कोई एरर शो नहीं हो रहा है। उसके बाद हम लोग अपने क्रोम वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और इसे हम लोग बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद फिर से हम लोग अपना क्रोम ओपन करेंगे, और क्रोम ओपन करने के बाद हम लोग सिंपल टाइप करेंगे youtube.com। तो उसके बाद हम लोग एंटर करके देखें तो क्या होता है, क्या होता है, कनेक्ट टू द इंटरनेट फर्स्ट, हम लोग का वेबसाइट ब्लॉक हो चुका है। यस गाइज, तो मैं आप लोग यहाँ पे अनदर टैब ओपन करके दिखा दूँ, www.youtube.com। उसके बाद फिर से एंटर करूँ तो मैं, और ये बूम गाइस, ये भी कनेक्ट टू द इंटरनेट वाला ऑप्शन शो कर रहा है। आप सभी देख सकते हैं काफ़ी ही सही है ये चीज़। चाहते हैं कि आप लोग घर में कोई पर्सन या फिर कोई बच्चा यूट्यूब वगैरह ज़्यादा यूज़ ना करे, सिर्फ काम के लिए यूज़ करे, तो आप लोग ये ट्रिक कर सकते हैं उनके साथ। हम लोग यूट्यूब को तो ब्लॉक करना सीख गए, अब इसे अनब्लॉक कैसे करें? तो अनब्लॉक करने के लिए कुछ नहीं करना है, सेम हम लोग को वहीं पर जाना है, और जो जो हम लोगों ने टाइप किया था उसे हम लोग को जस्ट डिलीट कर देना है। डिलीट हो गया, डिलीट होने के बाद फिर से कंट्रोल एस सेव कर देना। सेव करने के बाद हम लोग फिर से क्रोम पे चले जाएंगे, अनदर टैब ओपन करेंगे और फिर से हम लोग टाइप करेंगे youtube.com। तो एंटर करने के बाद क्या ये आने वाला है, एंटर करके देखते हैं। हम लोग का यूट्यूब फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो देखा आप लोगों ने, तो आप लोग ये ट्रिक अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोग एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस।